अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो राइज टू। तो कैसे हो आप सब? होप्स हो कि आप सब फिट फाट हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले न्यू इवेंट, हमारा गोल्डन टावर इवेंट का नाम है। और गाइस, उस इवेंट में जो बंडल आया है वो आप सबका मोस्ट फेवरेट बंडल आ चुका है इसमें। और गाइस, ये जो टॉप इनक्यूबेटर में आया था, फैंटम इनक्यूबेटर में टॉप वाला जो बंडल था वो आपको यहाँ पे इस इवेंट में नज़र आ रहा है। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो 7 ब्लूप्रिंट्स के बाद। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको 7 ब्लूप्रिंट के साथ एक्सचेंज करोगे। अगर आपके पास 7 ब्लूप्रिंट है तभी आप इसको एक्सचेंज कर पाओगे। तो 7 ब्लूप्रिंट लेने के लिए गाइस यहाँ पे टोकन्स कलेक्ट करने हैं गोल्डन टावर इवेंट से। अगर आपके पास 5 टोकन्स हो जाते हैं तो आपको 7 ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। और आप उनको इवेंट्स में जाके कंप्लीशन घाचा, यहाँ पे एक सेक्शन है उसमें जाके आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपके पास 7 ब्लूप्रिंट हो जाते हैं तो आप उनके एक्सचेंज कर सकोगे। अगर आपके पास एवोल्यूशन स्टोन ज़्यादा है तो आप एवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज करके भी ब्लूप्रिंट ले सकते हो। आप 3 एवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज करने पे 1 ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पे आप इनको एक्सचेंज कर सकोगे गोल्डन टावर इवेंट से। तो हम थोड़े से स्पिन करते हैं, देखते हैं कि हम तकरीबन 1000 या 1200 डायमंड में कितने टोकन्स निकाल सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने डायमंड इस इवेंट पे वेस्ट हो सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पिन करना। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ तो यार अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली स्पिन पे स्पिन कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास अभी तक 2 टोकन जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं। तीसरा टोकन भी अभी तक हमारे पास नहीं आया और यहाँ पे हमारे पास 3 टोकन कलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें चौथे टोकन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिन करना है। हम चौथे टोकन के लिए स्पिन कर रहे हैं बट अभी तक हमें चौथा टोकन जो है वो नहीं मिला। देखते हैं कितने डायमंड और वेस्ट होंगे तब जाके हमें चौथा टोकन मिलेगा। और फिर गाइज, आपके पास अगर 4 टोकन भी हो जाता है फिर भी आपके पास 3 ब्लूप्रिंट्स आएंगे। उसके बाद आपको फिर भी 5वां टोकन मस्ट है निकालना। और अगर आप 5 टोकन निकालते हो तो गाइज आपके पास 7 ब्लूप्रिंट हो जाएंगे। और 7 ब्लूप्रिंट को आप एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे वो आप गाइज लो ब्लू, चाहे वो गाइज आप मेल वाला टॉप बंडल लो या फिर आप फीमेल वाला बंडल लो, वो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। बट यहाँ पे आपके पास 7 ब्लूप्रिंट होंगे तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे। और गाइज, यहाँ पे फाइनली जो है हमारा चौथा टोकन भी निकल चुका है। 5वें टोकन के लिए भी आपके काफ़ी डायमंड वेस्ट होंगे। आप ये समझ लो कि जितने डायमंड आपके पहले से लेके चौथे टोकन तक वेस्ट हुए हैं, इतने ही डायमंड्स आपके 1 टोकन के लिए और वेस्ट होंगे। तब आपके पास 5वां टोकन आएगा और आप उसको एक्सचेंज करके ऑलमोस्ट आपके 2500-2000 डायमंड, नॉर्मली एवरेज बता रहा हूँ, लकी बंदों का कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि लकी बंदे जो होते हैं उनका एक स्पिन पे, उनके 5 स्पिन पे भी 5 टोकन निकल सकते हैं। सो जिनका नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपके 2500-2000 इतने डायमंड वेस्ट होंगे तभी आपको 5 टोकन मिलेंगे। फिर भी अगर आपका लक कुछ अच्छा है तो, अगर बहुत ही बुरा लक है तो फिर आपके 4000 तक भी जा सकते हो, 3500 डायमंड्स तक भी जा सकते हो, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा इन इवेंट्स में इतने डायमंड भी वेस्ट किए हैं। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।